विष्णुदास महाराज जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इंतजामिया का बहुत शुक्रिया हो रहा है और बकर आपका बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम मेहमानों का, सलमान गनी साहब बैठे हैं, आजम भाई बैठे हुए हैं, जवाब भाई है, बहुत शुक्रिया आप सबका, बड़ी मेहरबानी। पहले इसके बारे में दो जुमले में बोलूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं आपके साथ। ये जब नई साहब ने पहली मरतबा किया ना इससे चंद साल पहले, तो मुझे वो मैसेज भी इन्होंने बनाकर भेजा कि ये बोल दे, ये नहीं मुझे इसका इतना ही पता था। ये नहीं उन्होंने एक मैसेज बनाकर भेजा कि जब तक नहीं समझ आ रही, ये तो मैंने लिखा हुआ ये बोल दो, तो इतना ही पता था मुझे। लेकिन इन्होंने बर्बाद शुरू किया और समझा इस बात को कि पाकिस्तान का फ्यूचर इन चीजों के साथ जुड़ा है, ज्यादा इतने काम शुरू करते हैं तो जल्दी बर्बाद और बेहतर काम करने पे आप सब हमारी बात को गुस्सा है। इन सबके लिए ताली। तो अब बात करते हैं सोशल मीडिया, जिसको हमारे ज्यादातर लोग यहां पर बैठ के कह रहे हैं गम है, आम आदमी करता है इसके अंदर आने से, उसकी कुछ हकीकतें मैं आपके सामने खोल के रखता हूं, थोड़ा तर्ज है लेकिन सुनिएगा। आप सोशल मीडिया पे जाए, कोई ट्वीट करें अपनी मर्जी, कोई पैगाम छोड़े अपनी मर्जी का, थोड़ी देर के बाद आपको गालियां पड़ना शुरू होती है एक पैटर्न के साथ। हम सब यहां बैठे हुए विक्टिम है, लेकिन जो जो गाली देता है अगर उसके अकाउंट की डिटेल में आप जाएं तो वो फेक अकाउंट होता है। यानी इस कॉम में इतनी गैरत बाकी है कि गाली अपने असली नाम से नहीं देते। यानी आप सबके अपने अपने रियल अकाउंट होंगे, आप लोग उसमें गाली नहीं दे रहे होंगे। गाली देने के लिए पॉलिटिकल पार्टी पे करती है, हायर करती है और उन बंदों को लगाया जाता है कि तुम गाली दो फेक अकाउंट के जरिए, रियल अकाउंट नहीं हो। और जो रियल तंकीद है ना वो क्या है उसको आप समझिए। हम सोशल मीडिया को गाली देकर जान छुड़ा लेते हैं, हम ये कहते हैं कि ये तो है ही गंद, गंद नहीं है, शीशा है, देखो शक्ल अपनी इसके अंदर शीशा है। कल तक जिन लोगों को सोशल मीडिया यूज करता था, जो फिफ्थ जनरेशन बहुत याद है आप सबको, सलमान भाई फिफ्थ जनरेशन बहुत ये लड़ने सब में मिलकर सारे वॉरियर हैं, ये तैयार हो गए वॉरियर लड़न से। अब वो सवाल पूछ रहे हैं, अब वो जवाब मांगते हैं, आपने तो कहा था, आपने तो ये कहा था कि कोई भी चीफ अपनी फौज से बड़ा नहीं होता। दो जवाब, आपने कहा था कोई भी फौज अपनी कौम से बड़ी नहीं होती। दो जवाब मांग रहे हैं जवाब सोशल मीडिया वॉलियर, खुद ही कहा था ना फिफ्थ जनरेशन वॉर, याद है बात भाई, सबको लगा दिया इसके पीछे, सबके हाथ में हथियार पकड़ा दिया। नाउ दे आर लीडर, वो पढ़े लिखे हैं, उनका दिमाग काम करता है। आज से पहले जिन जिन के साथ उन ताकतवर लोगों का पक्का हुआ वो कौन थे, वो मौलवी था, कोई बेचारा सियासतदान था, कोई बेचारा किसी गरीब तबके से दूर दराज इलाके का, कोई बलोचिस्तान के पहाड़ों से उतरा हुआ था, पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं। दो जवाब, पहली दफा टक्कर के लोग मिले जो सवाल पूछते हैं लॉजिक के साथ, सर आप तो ये कहते थे एक ही हो गया। दो जवाब, अब गाली देने से जान नहीं छूटेगी, अब ये कहने से जान नहीं छूटेगी कि हमारी यूथ पूरी तरह से अवेयर नहीं, ऐसे जान नहीं छूटेगी। ये आपसे जवाब मांगेगी, आपको देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, कहानी कोई और सुनाई, अभी कभी कुछ और किया। मैं कल की बात आपको बताता हूं, मुझे शर्म आई, आपका वही दिफा
पार्लियामेंट में खड़ा होना था भाई लोग मेहरबानी करें क्योंकि यहां से आपकी आवाज डायरेक्ट काम में आती और इतनी अच्छी आवाज आप खुद मिल जाओ कई आवाजों में थोड़ा जाते और भाईजन की आवाज तो बड़ा खंड। तो मैं गुजारिश कर रहा था कल आपके वकील दिखाने का कि एक कैनेडियन क्यों बोला आर्मी चीफ के खिलाफ एसएससी के अंदर मामला उठाया। मैं नहीं कहता हूं कि तनकीद होनी चाहिए, मुसम्मत होनी चाहिए, किसी में जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करेंगे, ठीक है बात। लेकिन डोनाल्ड लू भी तो बोला था, उसका सबूत है आपके पास, उस पर आप बात नहीं करते। इंडियन चाइना के अंदर 17 मुल्क आए, पाकिस्तान को नहीं बुलाए, और कल पाकिस्तान की मुसम्मत पता किस तरह की थी कि एक मुल्क है जिसने पाकिस्तान का रास्ता रोका चाइना जाने से, नाम लो ये मुल्क हम सबका है, हम इंडिया से भी आए हैं।